हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी हम करा रहे हैं अपने चैनल पे, और जो भी आपका आरआरबी एनटीपीसी के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए जो भी टॉपिक्स दिए हुए थे दोस्तों, उसको हमने कम्प्लीट आपको करा दिया है। लगभग 90% सिलेबस आपका कम्प्लीट है फ्रेंड्स। जितना मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, जो क्वेश्चंस कराए हैं, अगर इसको पढ़ के ही आप CBT-1 में जाते हैं तो CBT-1 में आपका आराम से जो है 30+ आप स्कोर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये आपको तो पता ही होगा ना कि सिलेबस क्या है। CBT-1 आपका होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो CBT-2 में जाके उसको एग्ज़ाम देंगे, और जो फाइनल मेरिट बनेंगे वो CBT-2 पे ही बनेगी। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसमें हम थोड़ा स्ट्रैटेजी बताएंगे कि CBT-1 जो पहले बार होना है, जो क्वालिफाइंग होना है, उसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें एक्सपेक्टेड कितने जो है प्रश्न जो है हर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ताकि एक आपको एक आइडिया हो जाए कि आपका लगभग कितना टॉपिक कवर है, और आप आराम से जो है कितना कितना आप कैसे चलेंगे कि आपका जो है क्वालिफाई कर जाए आराम से। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स देखिए, जो CBT-1 में जो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन आने हैं वो लगभग 40 क्वेश्चन आने हैं, है ना। तो इन 40 क्वेश्चन में आपके जो जनरल अवेयरनेस का अगर सिलेबस देखेंगे तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, इसमें बहुत टॉपिक्स दिए हुए हैं, और हमने कोशिश करी है कि आपको सारा टॉपिक ख़त्म करवाया दोस्तों, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिल पाएगा, ताकि आपका सिलेबस बिल्कुल अच्छी तरह तैयार रहे, जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहें। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों इसमें देखिए जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, जो नेशनल इंटरनेशनल है, वो देखा गया है कि जो अभी रिसेंट के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उसमें जो 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके करंट अफेयर्स से पूछे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, गेम्स एंड स्पोर्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है, 1 से 2 लगभग क्वेश्चन से पूछे आते हैं। आर्ट एंड कल्चर में दोस्तों मुझे मानना है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इसमें से। इंडियन लिटरेचर में भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस 1-2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे जो बड़ा दोस्तों, मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछे जाने वाले हैं जनरल साइंस और लाइफ साइंस से। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेगा, और CBT-2 में तो आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको केवल साइंस के देखने को मिलेंगे। दोस्तों साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए मैंने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको कंप्लीट कराया है। ये दोस्तों आप देखेंगे SSC CGL SSC के एग्जाम में भी देख लीजिए, आप रेलवे के एग्जाम में देख लीजिए, साइंस का क्वेश्चन काफ़ी कवर रहता है। तो मेरा मानना है 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको साइंस कराएंगे, तो बहुत अच्छी तरह तैयार करेगा इसको। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इन 3 से 4 क्वेश्चन में से जो फ्रीडम स्ट्रगल है, मतलब जिसमें 1857 के बाद 1857 और उसके बाद के जो पीरियड हैं, उसमें से लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरा मानना है। अगर मान लो 3 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, तो उसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल के आपके रहेंगे। ज्योग्राफी के दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इंडियन पॉलिटी के भी 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको देखने मिलेगा। स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत अच्छा टॉपिक है, और ध्यान रखिएगा जो अभी चंद्रयान 2 है वो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि चंद्रयान 2 किस व्हीकल से गया था, चंद्रयान 2 किस व्हीकल से गया था, और चंद्रयान 2 के कौन डायरेक्टर रहे थे, वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। मैं आपको पूरी तरह से पढ़ाया हूँ आपको। चंद्रयान 2 अभी भेजा गया है, लेकिन मैंने पहले ही आपको लक्षण बता दिया था कि चंद्रयान 2 किस व्हीकल से जाएगा, क्योंकि प्लानिंग तो पहले बन जाती है ना। उसके बाद UN से दोस्तों आपको हेडक्वार्टर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 1 से 2 क्वेश्चन। एनवायरमेंट इशू से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। बेसिक ऑफ कंप्यूटर से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। जितना मैं पढ़ा दिया हूँ दोस्तों, उस पर आप स्टिक रहिए, उसको रिवीजन करिए, आपको क्वेश्चन उसी में से मिलेंगे। कॉमन एवरेशन में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको आराम से दिख सकते हैं। उसी तरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फेमस पर्सनालिटीज में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। फ्लोरा एंड फौना में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। फ्लैगशिप में भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही बड़ा सिलेबस है दोस्तों। ये सब टॉपिक देखिए मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। गेम्स एंड स्पोर्ट है, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी थोड़ा सा और बता देंगे इसमें, स्पेस न्यूक्लियर प्रोग्राम, UN, एनवायरमेंट, बेसिक कंप्यूटर, कॉमन एब्रीविएशंस, है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फेमस पर्सनालिटीज, फ्लोरा फौना, फ्लैगशिप और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और दोस्तों इंडियन इकोनॉमी भी आपको बता देंगे। तो इंडियन इकोनॉमी हो गया आपका जो है, और थोड़ा फ्रीडम स्ट्रगल आपको बता देंगे, जिससे आपका CBT-2 भी आराम से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जितना मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आप उतना ही पढ़ के जाएंगे तो आप आराम से, मानना है कि 32+ आराम CBT-1 में स्कोर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, और मेरा मानना यह है कि मैं आपको CBT-1 CBT-2 दोनों क्लियर कराऊंगा,
और 35 प्लस क्वेश्चन अगर आप मेरा पढ़ के जाते हैं दोस्तों तो 35 प्लस नंबर आप आराम से पा जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे सारे वीडियोस को देखते हैं और कंटिन्यूअस रिवीजन करते हैं तो श्योर कर सकता हूं कि 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। और सबसे खतरनाक जो होता है वो जनरल अवेयरनेस ही है दोस्तों। जो आपका रीजनिंग पोर्शन है और जो मैथ पोर्शन है वो तो आप किसी भी जो अच्छी बुक है उसको आप रिविजन करते रहिए, उसको लगाते रहिए, क्योंकि नॉर्मल जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो चीज़ कॉमन है। सबसे अलग जो पोर्शन होता है वो जनरल अवेयरनेस का होता है, वो मैंने आपको लबलबत तैयार करा दिया है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल जुड़े हैं दोस्तों, और मैंने आपको बहुत मेहनत से बहुत अच्छे कंटेंट दिए दोस्तों। आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब भी कहता नहीं होगा सब्सक्राइब करिए, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वो दोस्त जो इस चैनल के बारे में जानते नहीं है, नया चैनल है जानते नहीं इसके बारे में, अगर वो आएंगी तो इनको फ़ायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।